दरअसल पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी की मुसीबत इस बात से बढ़ गई थी कि उसके सबसे योग्य माने जाने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। बीजेपी ने सिसोदिया की नई शराब नीति को लेकर उनको घेरा, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी ने मुद्दा ही बदल दिया। अब उनका मुद्दा यह है कि बीजेपी उनकी सरकार और पार्टी को तोड़ना चाहती है। इस पर सियासी ड्रामा लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सत्याग्रह। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर एक के बाद एक सरकार गिराने का, क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। साजिश। हमारे एमएलए को, एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। रहस्य। मनीष सिसोदिया जी खुद कह रहे हैं कि उनको एकनाथ शिंदे की तरह इस्तेमाल करके पार्टी को दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक्शन। मेरी गर्दन की चिंता मत करना, मेरी गर्दन ईमानदारी की गर्दन है। इमोशन। समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। जारी है दिल्ली में द ग्रेट इंडियन आप ड्रामा। 19 अगस्त को सीबीआई छापे से शुरू हुआ दिल्ली का सियासी ड्रामा छठवें दिन में प्रवेश कर गया है। रोज नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, कभी घोटाला, कभी साजिश, कभी कॉल, कभी धमकी। इस ड्रामे में सब कुछ है और अब ये ड्रामा पहुंच गया है महात्मा गांधी की समाधि तक। सीन नंबर एक, जगह राजघाट। अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर। कैमरों में कैद होता पूरा एक्शन। पहले फूल चढ़ाए, फिर परिक्रमा की, फिर मौन रखकर समाधि के सामने बैठ गए। एक्शन पूरा हुआ तो डायलॉग की बारी आई। शराब घोटाले को लेकर उठ रहे सवालों में 800 करोड़ वाली साजिश का नया ट्विस्ट आ गया। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इनके इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। केजरीवाल के इस नए ट्विस्ट का कैलकुलेशन समझना भी जरूरी है। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ रही है। हर विधायक को 20 करोड़ का ऑफर है और ये रकम होती है 800 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, जो नहीं माने उन पर जांच एजेंसियों के एक्शन की धमकी भी दी गई। केजरीवाल ने आरोप लगाए लेकिन उनकी आरोपों वाली पिक्चर बीजेपी को पसंद नहीं आई। बीजेपी कह रही है केजरीवाल की फिल्म फ्लॉप है। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और इन सवाल को भटकाने के लिए पहले स्क्रिप्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके आज विधायकों तक की स्क्रिप्ट आपने पढ़ डाली, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है और ये जो पिक्चर है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। एक भी दर्शक इनकी इस स्क्रिप्ट को देखने नहीं आ रहा। राजघाट पर जाकर केजरीवाल के इस प्रदर्शन पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। पिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। लेकिन सियासत की ये बिग पिक्चर यहीं खत्म नहीं हो रही है। इसका दूसरा सीन भी राजघाट में ही फिल्माया गया। ये सीन था शुद्धिकरण का। सीन नंबर दो, जगह राजघाट। केजरीवाल गए तो बीजेपी नेता पहुंच गए राजघाट। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में शराब बांटने वाले केजरीवाल ने बापू की समाधि को अशुद्ध कर दिया है, लिहाजा गंगा जल से इसका शुद्धिकरण जरूरी है। भले ही आज सारा एक्शन राजघाट में दिख रहा हो लेकिन साजिश वाली ये स्क्रिप्ट
आम आदमी पार्टी ने कल ही बाहर कर दी थी, जब चार विधायकों के साथ 20 करोड़ वाला आरोप लगाया गया था। उसके बाद बीती शाम को आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई। इस बैठक में तय किया गया कि आपके सभी विधायकों को बुलाकर ये जाना जाए कि कितने विधायकों को बीजेपी ने ऑफर दिया है। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई। सीन नंबर 3, जगह मुख्यमंत्री आवास। बैठक में विधायक पहुंच ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने इस सीन में नया मसाला डाल दिया, विधायकों से संपर्क न होने का मसाला। सवाल उठे कि क्या कुछ विधायक बगावत कर सकते हैं। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आम आदमी पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया पार्टी ऑफिस का, जो उन्हें यहाँ अभी 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 सब मीट अभी मीटिंग का समय 11 बजे है, हमें उम्मीद है कि तब तक सारे विधायक आ जाएंगे। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि साजिश का यह खेल 800 करोड़ का है। 40 विधायकों को तोड़ने का प्लान था, अब सीबीआई और ईडी जांच करे कि पैसा कहां से आया। जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा। अब तक आम आदमी पार्टी ये साबित करने में लगी थी कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, लेकिन बैठक के बाद वक्त था बड़े ऐलान का। सीन नंबर 4, जगह आम आदमी पार्टी दफ्तर। सौरभ भारद्वाज आए और उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। 53 विधायक बैठक में आए और उन्होंने केजरीवाल के साथ जीने मरने की कसम खा ली। बाकी विधायकों से संपर्क हो गया है, कुछ बाहर हैं, कुछ दौरे पर। मैं आज यहाँ पे अनाउंस करता हूँ ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे, 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे, 53 विधायक अंदर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी तो बीजेपी अपने आरोपों पर अड़ी हुई थी। सीन नंबर 5, बीजेपी दफ्तर। कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये आम आदमी के चरित्र का वास्तविक चित्रण है। बीजेपी कह रही है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि घोटाला किसने किया। हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। और तो और, परवेश वर्मा ने तो पुरानी फिल्म का डायलॉग बदल कर केजरीवाल की महिमा भी सुना दी। एक मैंने पिक्चर देखी थी शोले, तो वो शोले का बहुत फेमस एक डायलॉग है, जब वो जय वीरू की शादी के लिए बात करने जाते हैं मौसी से, तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई झूठ वूट तो नहीं बोलता। दरअसल 19 अगस्त को शुरू हुए इस पॉलिटिकल ड्रामे की शुरुआत दिल्ली की नई शराब नीति में हुए घोटाले के आरोपों से हुई थी। उसके बाद सीबीआई का छापा सिसोदिया के घर पर पड़ा। मनीष सिसोदिया ने अगले दिन बीजेपी के एक नेता के कॉल आने की बात कही। आरोप लगाया गया कि उन्हें सीएम पद ऑफर किया गया, बदले में पार्टी तोड़ने की मांग थी। अगले दिन 4 विधायकों ने 20 करोड़ के ऑफर की बात की और अब ये मामला 40 विधायकों तक पहुंच गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बात पर सस्पेंस बनाई हुई है कि ऑफर बीजेपी के किस नेता ने दिया। एक तरफ बीजेपी घोटाले पर सवाल कर रही है तो दूसरी तरफ आप ऑपरेशन लोटस की, लेकिन आप बीजेपी की इस सियासी लड़ाई का ये क्लाइमेक्स नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो कहा था कि ये पार्टी कोई रेगुलर राजनीतिक दल नहीं होगी, लेकिन आज केजरीवाल और उनकी पार्टी भी शुद्ध देसी राजनीति करने लगी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग मुद्दों से हटकर चुनावी नफे नुकसान से जुड़ गई है। देखिए, बीजेपी ने शराब घोटाले का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। बीजेपी शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को मान रही है तो अपनी सरकार गिराने की साजिश में आम आदमी पार्टी किसी अनाम बीजेपी नेता का नाम ले रही है, यानी वो आरोप लगा रही है लेकिन बीजेपी नेता है कौन नाम नहीं बता रही है।
बीजेपी कह रही है दिल्ली में शराब घोटाले में 144 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह बीजेपी पर उसके विधायकों को 20 करोड़ में खरीदने की साजिश का आरोप लगा रही है ना, उसमें 40 विधायकों की वो बात कर रही है, तो कुल मिलाकर बीजेपी को 800 करोड़ रुपए इस मामले में खर्च करने पड़ते हैं। तो 800 करोड़ रुपए के काले धन को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब दोनों दलों के राजनीतिक टारगेट की अगर बात की जाए तो बीजेपी की नजर है दिल्ली पर और आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर, हिमाचल प्रदेश पर, जहां इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।